फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन हेराफेरी करने के लगे पटवारी और ग्राम सेवक पर आरोप। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत दिवड़ा छोटा निवासी पवनगिरी गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय नारायणगिरी गोस्वामी ने आज जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर पटवारी प्रियंका रोत और ग्राम सेवक यज्ञ नारायणगिरी गोस्वामी ने जमीन की हेराफेरी की है और इंदिरा आवास की किस्त भी रुकवा दी है। इसका विरोध करने पर आज जब पवनगिरी गोस्वामी ने बताया कि वह स्वयं और उसकी पत्नी खेतों में गए तो ग्राम सेवक यज्ञ नारायणगिरी गोस्वामी ने और पवनगिरी गोस्वामी के तीनों भाइयों ने मिलकर पवनगिरी गोस्वामी की पत्नी को मारा और गाली गलौज की। पवनगिरी गोस्वामी का कहना है कि उसे और उसके परिवार को इन लोगों से जान का खतरा है। संबंधित थाना प्रभारी को कई बार सूचना दी पर कोई सहायता नहीं की जाती है। इस विषय को लेकर उन्होंने उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक से न्याय की मांग की है। खेतरा में हम जीत आए थे। राकेश भाई ने बहुत बेजोड़ एक लसा था। राकेश भाई फोन करी ने तोड़ने बुबियन बे बुबियन है भाई ने हज्जू हुई तामन माते पड़ी तोड़ने सूटा पाना मरिया न दातोड़ में सूट मरिया में जबरदस्ती हम जान बसाई नहीं थी कि आई हम। मैं सुबह खेतों में गया था तारीख 16/9/2022। बंटवारे का केस ऑलरेडी चल रहा है और दोनों मियाँ बीबी दोनों धर्मपत्नी के साथ मैं खेतों में गया था तो पंचायत के समिति के पास जो खेत हैं वहाँ पर हम दोनों घास लेने गए थे गायों के लिए। तो राकेश गिरी और उसके साथ उसकी बीवी दोनों साथ में मौजूद थे। राकेश गिरी ने चंद्रगिरी को फ़ोन किया और साथ में लीला बबी लीला देवी शारदा देवी और खुशबू देवी तीनों ने मिलकर मेरे पत्नी के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की और दातड़ा लेकर मारना है और मेरे पत्नी को निर्वस्त कर दिया गया और धमकी दी और उसको मारने की धमकी दी। और ये पूरा कारण है कि हमारे जो पटवारी प्रियंका रोहत और ग्राम सेवक जी यज्ञ नारायण के बीच में जो केस चल रहा है उस केस की फाइल खींच लेने के बारे में कहा गया। तीनों भाइयों ने धमकी दी अगर ये फाइल तू नहीं खींचता तो तेरे को हम आत्मा मार डालेंगे या फिर तेरे सुसाइड करने पर विवश हो जाना पड़ेगा हमको। हमारे आगे की कार्रवाई सर ये है कि माननीय एडीएम साहब से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।